गुड़िया रोको उसे, हमका ये सब देखा नहीं जा रहा है, देखो वो पूरा पूरा अपना हाथ काट लेगा। अरे जी शांत, ये वक्त हम अर्जुन जी को नहीं रोक सकते, उनके मन में एक तूफान उठा है, अगर हम वो तूफान को रोक देंगे तो फिर ज्वालामुखी बनके वो तूफान उनके मन को जला के रख देगा। अर्जुन जी आप ही दिखाइए हमको, दिखाइए आपका हाथ, इस तरह से आप अपने आप को दर्द क्यों दे रहे हैं? बताइए तो सही कि बात क्या हुई है? शर्म आ रही हमें अपने आप से, अपने जिंदा होने पर, अपने आप से नजर मिला पा रहे। पर आप हमें बताएंगे कि बात क्या है? पति के होते हुए अगर उसकी पत्नी को दर दर भटकना पड़े तो लानत है ऐसे पति पर। हमारे घर की लक्ष्मी को चंद रुपयों के लिए बाहर काम करना पड़ेगा, हमें बर्दाश्त नहीं। हमारी मीरा जिसके कदमों में हम दुनिया की सारी खुशियां बिछाना चाहते, घटिया आदमी के सामने हमने उसे नौकरी के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखा, वो हमारी मीरा का अपमान करता रहा, हम चुपचाप देखते। हम तो सजा के ही लायक है, हम अपनी मीरा को इस हाल में नहीं देख सकते। मीरा के बारे में कुछ पता चले ना चले, अर्जुन जी की कमजोरी का पता तो चल गया, दीवार में छेद तो मिल गया, अब सुरंग बनाना हमारा काम। एकदम बराबर बोले आप, भला एक पति के होते हुए एक पत्नी को काम करना पड़े, कौन ठीक बात नहीं। आप चाहें तो आप अपने पूरे परिवार की और मीरा की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। अब पैसे कमाना तो आपके लिए बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन हम इस शहर के लायक नहीं। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा काम, हमारा तौर तरीका कुछ भी शहर के लायक नहीं। हमें तो अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती, देगा हमें काम? बताइए कौन रखेगा हमें नौकरी पर? इस शहर के जो लोग हैं ना सब नकली, क्या बोलते हैं गिटपिट अंग्रेजी में, हमको तो कुछ समझ नहीं आता। काम करने के लिए दिमाग, दिल और सच्ची नीयत चाहिए, जो आपके पास है। दादा भी बिल्कुल ऐसी बात क्या करते थे, कहते थे ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे, जोरी ही असली हीरे को पहचान सकता है। पैसा कमाना तो कोई बड़ी बात नहीं है शालू जी, लेकिन जब तक हम आपके पति को ढूंढकर आपके पास नहीं ले आते, चार पैसे कमाने के लिए हम यहां से बाहर भी तो नहीं जा सकते। छोड़िए सब, आप चाहें तो 10 सेकंड में
10 लाख रुपए कमा सकते हैं। छोड़िए इसे, आप चाहे तो 10 सेकंड में 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। मतलब ही कि क्या आप मेरे साथ काम करें? आपके साथ काम करें या नहीं, ये फैसला आप कैसे ले सकते हैं? तो ये भी पता नहीं कि आपका कारोबार कहाँ है। हमरे ईश्वर पांडे की जुबान में अगर बोले तो हम आज के रॉबिन हुड हैं। चोरों के घर चोरी हमरा काम है। आप सोच लीजिए, आप जो फैसला लेंगे फिर ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। हमें फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक, जितना वक्त चाहिए आप आराम से लीजिए, कोई जल्दी नहीं। बस हमें बता दीजिए काम का जवाब। आपके हाथ में चोट आ गई, हम आपके लिए मलहम लेकर आते हैं। I really need this. मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। आप चाहें तो 10 सेकंड में 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। को यहां लाकर कोई गलती तो नहीं हो गई ना हमसे? रिया जब से पुरानी कोठी से वापस लौटी है एकदम बदली बदली सी लग रही है। पता नहीं उनका ध्यान कहां है। चालू जी, आप इस कागज पर सिग्नेचर करके सौदा पक्का कर दीजिए। करोड़ों की जमीन का सौदा 25 लाख, और याने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। वैसी भूल कर भी कैसे सकते हैं? इतने लोग उनके नीचे काम करते हैं, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। लेकिन अब ई माँ कोई कर भी का सकता है? बहुरिया कब का सोचती है, का करती है, ये तो बस राम ही जाने। मिश्रा, इन सिर्फ ऐसा कहने से काम नहीं चले। जरा पता तो करो कि उस रात पुरानी कोठी में बहुरिया और पृथ्वी के बीच आखिर ऐसा हुआ क्या था। ठीक, अब आप सो जाए, हम बहुरिया से बात करने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो 10 सेकंड में 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। मतलब ही कि क्या आप हमारे साथ काम करेंगे? हाथों से जुदा है हाथ मगर ये हर लम्हा लकीरों
से है जुड़े, हाथों से जुड़े, तुम्हारी देखभाल और तुम्हारी खुशी हमारा परम कर्तव्य है। हर लम्हा लगी हो, I really need this. मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मार्केटिंग मैनेजर ना से मुझे किसी और पोस्ट पर रख लीजिए। ये सब क्या हो रहा है? हमारे हाथ से सब कुछ रेत की तरह फिसलता जा रहा है और हम बस खुली आंखों से ही तमाशा देख रहे हैं।